तो है गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है TVS की लेटेस्ट लॉन्च पे। और TVS ने ना भाई इस बाइक लॉन्च के साथ ना पूरा मार्केट हिला के रख दिया है, क्योंकि बाइक ही इन्होंने ना इस टाइप की एक लॉन्च कर दी है। तो आज लॉन्च हो चुकी है फाइनली TVS अपाचे RTR 310। सो BMW 310R का लोग इसको एक कह सकते थे TVS वाला वर्जन कंसिडर कर रहे थे, पर भैया यहाँ पर TVS ने ना सारा खेल ही पलट के रख दिया है और बाइक लॉन्च कर दी है एक फ्यूचरिस्टिक फीचर्स के साथ। कार्स छोड़ो, बाइक्स की तो देखो बात ही नहीं है यहाँ पर ना, कार्स में भी इस टाइप के फीचर्स यहाँ पे आते नहीं हैं। हीटेड सीट, कूलिंग सीट, दोनों एक क्लाइमेटिक कंट्रोल के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे आप लोगों को सीट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि इंडिया के लिए एक मस्ट फीचर हो जाता है, क्योंकि अपने यहाँ पे गर्मी आप लोगों को पता ही है। उसी के साथ साथ क्विक शिफ्टर है, क्रूज कंट्रोल, इस प्राइस पॉइंट पे क्रूज कंट्रोल आ चुका है। TFT MID सेटअप मिल जाता है 5 इंचेस का। BT कनेक्टिविटी यहाँ पे मिलने वाली ही है। प्राइसिंग की भी आप लोगों को इस वीडियो में आगे चल के डिटेल मिलने वाली है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की भी बात करेंगे और इस बाइक में आप लोगों को TPMS भी मिलने वाला है। तो और क्या ही चाहिए, एडजस्टेबल सस्पेंशन, फ्रंट भी रियर भी सब कुछ हो जाता है। टोटल 3 कलर ऑप्शंस के साथ बाइक अवेलेबल रहने वाली है और वेरिएंट्स भी यहाँ पे आप लोगों को टोटल 3 ही मिलने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो स्क्रीन पे आप लोग अपना देख पा रहे हो किस टाइप के प्रॉपर बाइक का लुक आ रहा है। तो देखने में नहीं, ये बाइक काफ़ी कॉम्पैक्ट सी फील हो रही है, जिसकी वजह से इस बाइक का नेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फन टू राइड वाला फैक्टर इस बाइक में आने वाला है। काफ़ी अच्छा टायर का सेटअप भी इस बाइक में मिल जाता है। सस्पेंशन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, फ्रंट भी और रियर भी एडजस्टमेंट के साथ आता है। क्रूज कंट्रोल आ जाता है, ये आप लोग देख रहे हो अभी स्क्रीन पे। तो इस टाइप से कुछ आप लोगों को MID टॉगल करने के लिए यहाँ पे स्विचेज हैं, उसी के ऊपर यहाँ पे अपना जो क्रूज कंट्रोल है उसका स्विच भी मिल जाता है। सो ये वाला अपना पूरा सेटअप ना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टूरिंग के लिए अगर आप लोग लेते हो बाइक तो भी हो जाता है। क्विक शिफ्टर है ही, और बाइक अपने पास जैसे ही अवेलेबल होगी जब अपन राइड करेंगे तो क्विक शिफ्टर को क्या रिस्पॉन्स आता है, कितना ये अपने को एक स्मूथनेस लेवल मिलता है, वो आप लोगों को सारी डिटेल मिल ही जाने वाली है। अब आते हैं सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे इंडिया के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ना, कूलिंग और हीटेड सीट। तो इस टाइप से कुछ अपना सीट का सेटअप रहने वाला है। स्प्लिट में यहाँ पे सीट है। सीट की क्वालिटी वाइज अभी जितना अपन लोगों ने देखा है उसके अकॉर्डिंग तो बाइक की जो ओवरऑल एक प्रॉपर जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, और अवेलेबल होते ही तो सारी चीज़ें अपने मिलने वाली है। पर ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक यूज़फुल चीज़ होने वाली है। और अब आते हैं अपन इंजन स्पेसिफिकेशंस पे। तो इंजन यहाँ पे आप लोगों को सेम BMW 310R वाला ही है, या फिर कह सकते हैं 310RR में, 310GS में, सो वही इंजन मिलता है। पर यहाँ पे आप लोगों को पावर थोड़ा सा ज़्यादा मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू 310R, जो कि 310R मेरे पास भी है, आप लोगों को पता ही है, मैं पर्सनली ओन करता हूँ। सो इंजन यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है 313 cc का, 35.6 PS का पीक पावर है और 28.7 Nm का टोटल आप लोगों को यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है। एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंप्रेस करेगी इस बाइक की, वो रहने वाला है इसका 0 to 60 का टाइम, 0 to 60 2.81 seconds में। देख सकते हो आप कितना ही ज़्यादा ये फास्ट होने वाली है ना बाइक। और टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है वो है 150 किलोमीटर पर आवर की। फ्यूल टैंक का शेप कुछ इस टाइप का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। प्लस जो फ्रेम है ये अपना सेम है जैसा कि 310RR में भी आता है, RR310 में भी, अपाचे में यही सारा सेटअप आप लोगों को मिलने वाला है। वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं, तो वेरिएंट्स आप लोगों को यहाँ पे जो बेस वेरिएंट रहेगा उसमें क्विक शिफ्टर नहीं है। अभी प्राइसिंग पे भी अपन लगवाते हैं, तो वेरिएंट के अकॉर्डिंग ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को वेरिएंट मिल जाता है बेस आर्सेनल ब्लैक विदाउट क्विक शिफ्टर, फिर आ जाता है आर्सेनल ब्लैक विथ क्विक शिफ्टर, एंड टॉप ऑफ द लाइन हो जाता है फ्यूरी येलो। इस टाइप से दो कलर ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं। और किट भी यहाँ पर आप लोग ना कस्टम वाला सेटअप करवा सकते हो। एक किट है आपका डायनामिक किट, एक हो जाता है डायनामिक प्रो किट, और एक हो जाता है स्पैंग ब्लू कलर, यानी कि ब्लू कलर लेने के लिए कुछ अमाउंट XYZ आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना रहेगा। प्राइसिंग पे आते हैं, तो प्राइसिंग इस बाइक की जितने फीचर्स TVS ने यहाँ पे दे दिए ना भैया, क्या ही बात करें। एडजस्टेबल लीवर्स भी हाँ अपना रहता था, जो आप लोग आगे फोटो में देख चुके हो, तो एडजस्टेबल लीवर है यार, पता नहीं मतलब आप बोलो और वो सब TVS ने ना सारे कस्टमर्स की बात को सुन लिया है। सो प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं। सो प्राइसिंग यहाँ पर आ जाती है अपना बेस वेरिएंट की 2.42,990 rupees, 242,990 rupees। फिर आ जाता है सेकंड का 257,990 rupees, 2.57,990 rupees, और टॉप ऑफ द लाइन हो जाता है अपना जो फ्यूरी येलो वाला है वो है 2.63,990 rupees, 263,990 rupees। सो
काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है यार इस बाइक की, मतलब क्या ही चाहिए। ऑन रोड अगर अपन बात करते हैं तो लमसम आपको ये कॉस्ट कर सकती है शायद से एक, हो सकता है 3 लाख अंडर भी ये बाइक आ जाए ऑन रोड अगर बेस प्राइस बेस वेरिएंट की अपन बात करते हैं। पर काफ़ी अच्छा इसकी प्राइसिंग होने वाली है, बाइक जैसे ही अवेलेबल होता है वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगा, प्लस राइड रिव्यू भी अपन लोग करने वाले हैं। और एक जैसा कि मेरे पास खुद के पास 310R है, तो 310R वर्सेस RTR 310 भी आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही जल्दी अपने चैनल पे आ जाने वाला है। तो करते हैं अपने ये वाला वीडियो एंड और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। और हाँ, अपाचे RTR 300 आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से अपना ओपिनियन शेयर करें।